हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मेसी इंडिया आज की इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग्स के बारे में फार्माकोलॉजी के फिफ्थ सेमेस्टर का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो चलो शुरू करते हैं पहले स्लाइड के साथ बेसिक इंट्रोडक्शन तो पहला पॉइंट है व्हाट इज हाइपर लिपोप्रोटीनिमिया ये क्या है दिस इज द कंडीशन इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और कॉम्बिनेशन ये कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड इनको कैरी करते हैं बट जब ये लेवल नॉर्मल लेवल से भी ऊपर चला जाता है उसे हम कहते हैं हाइपर लिपोप्रोटीनिमिया द कंडीशन इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिस द प्लाज्मा इज एलिवेटेड तो लिपोप्रोटीन का प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन अगर आपके प्लाज्मा में अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर यह कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल लेवल से अपॉव चले जाता है तो फिर आपको अलग अलग प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा इंक्रीज इन लिपोप्रोटीन कैन स्पीड अप डेवलपमेंट ऑफ अथेरोक्लेरो अगर आपके प्लाज्मा के अंदर लिपोप्रोटीन्स का लेवल बहुत ज्यादा हो गया तो इसके कारण आपको अथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है वट इज अथेरोस्क्लेरोसिस ऐसी कंडीशन जहां पे आपके आर्टरीज के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है और जिसके कारण आर्टरीज का डायमीटर नैरो होगा दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अथेरोस्क्लेरोसिस एंड इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन व्हाट इज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन ऐसी कंडीशन जहां पे आपके हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड मिल नहीं रहा है जहां पे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है लीडिंग कॉज फॉर मायोकार्डियल एनफ्राक्शन लिपिड्स एंड प्रोटीन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एस लिपोप्रोटीन सिंपल सी चीज है जो हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया इज लिपोप्रोटीन लिपिड्स जब भी प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं उससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे ही हम कहते हैं लिपोप्रोटीन एंड इट सर्कुलेट्स इन द ब्लड वेसल और इसका मेन जो सर्कुलेशन है वो ब्लड वेसल के अंदर ही होता है देयर आर फोर टाइप्स ऑफ लिपो प्रोटीन हमारे पास टोटल चार टाइप के लिपो प्रोटीन है फर्स्ट लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम कहते हैं एल डी एल दूसरा है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL दोनों में छोटा सा फर्क है लो डेंसिटी लिपोप्रोटींस आर एसएन आर नॉन इसेंशियल प्रोटींस जिन्हें हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटींस दीस आर एसेंशियल लिपोप्रोटीन इन्हें हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल ये हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है तीसरी कैटेगरी है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लास्ट वन इज काइलोमाइक्रॉन्स तो चलो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशंस है क्लासिफिकेशन से, तो पहला क्लास है द ड्रग्स विच कैन इनहिबिट एच एम जी को ए रिडकटेज एंजायम द एंजायम विच इज इसशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस रोकना है तो उसके सिंथेसिस प्रोसेस में एक एंजाइम की नीड होती है उसे ही ब्लॉक कर दो जिसका नाम है एच एम जी को रिडक्टेज ड्रग्स है लोअर सिमवास्टैटिन प्रावास्टैटिन अटोरवास्टैटिन प्रोसुवास्टैटिन स्लूवास्टैटिन पीटावास्टैटिन दूसरी कैटेगरी है फिब्रिक एसिड्स अब इन्हों हम कहते हैं फिब्रेट्स एग्जाम्पल जेम फिब्रोजिन क्लोफिब्रेट फिनोफिब्रेट बेंजा फेब्रेट सीप्रोफेब्रेट फिर आता है बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स जैसे कि कोल स्टायरामाइन कोल स्टाइपोल कोल सेवेलाम ड्रग में है एजिटिमेप निकोटिनिक एसिड प्रोब्योकोल गुग्लुपिड एंड न्योमाइसिन फिर आता है कुछ न्यू ड्रग्स जैसे कि सी टी पी इनिबिटर्स एना सिट्रापेप ईवा सिट्रापेप डी गैट वन इनिबिटर प्रैडी जेस्टैट एंड द लास्ट एम टी पी इनिबिटर लॉमिटा पाइट तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो हम जनरली यूज करते हैं हाई लेवल ऑफ लिपोप्रोटीन्स को डिक्रीज करने के लिए <coughs> उनका सिंथेसिस उनका एब्सॉर्बन अवॉइड करने के लिए तो एक एक क्लास को शुरू करेंगे पहला है एच एम जी इनहिबिटर तो ये एच एम जी क्या है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटेरिल को हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटेरिल को ए रेट कंट्रोलिंग एंजाइम है इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल के पूरे सिंथेसिस में जो रेट लिमिटिंग स्टेप है द है, वो है एच एम जी एंजाइम। वो एक रिएक्शन को कंट्रोल करता है जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो फिर लोअर स्टेटिन जो है या उसके जो कंजेनर है ये जनरली एच एम जी कोए जैसे ही दिखते हैं एंड ये एक्ट करते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स की तरह मतलब क्या एचएमजी कोए एक एंजाइम है उसका सबस्ट्रेट कौन रहेगा हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाले केमिकल एजेंट्स तो अगर लोवास्टेटिन को आप कंज्यूम करते हो तो ये क्या करता है एचएमजी कोए रिडक्टेज एंजाइम को जाके बाइंड करेगा जैसे ही वो बाइंड करता है वहां पे होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन तो बॉडी के अंदर जो नेचुरल सबस्ट्रेट है वो कॉम्पीट करता है विद द लोवा स्टेटिन बट लोवा स्टेटिन का जो अट्रैक्शन है टूवर्ड्स दी एच कोए जे रिडक्टेज वो ज्यादा है तो लोवा स्टेटिन इस एंजाइम को ब्लॉक करेगा तो एच कोए फर्दर रिएक्शंस को कैरी आउट कर ही नहीं सकता सो एच कोए जी को रिडक्टेज इनिवेटर इज स्टेटिन वो क्या करते हैं इस एंजाइम को ही ब्लॉक करेंगे सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्टेज इनिवेटर्स इन सब ड्रग्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिडक्टेस इनहिबिटर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन लिवर इज रिड्यूस्ड तो इसके कारण क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का जो भी बायोसिंथेसिस होगा जिसका मेन ऑर्गन है लिवर वो कम हो जाएगा देयर इज इंक्रीज इन एक्सप्रेशन ऑफ हेपेटिक एलडीएल रिसेप्टर अब यहां पे क्या होता है जैसे ही एचएमजी कोए रिडक्टेस इनहिबिटर ड्रग आप कंज्यूम करते हो यहाँ पे एक इफेक्ट क्रिएट होगा जो हमारी लिवर सेल्स है उसके पास जो एल डी एल रिसेप्टर वो एक्टिवेट हो जाता है वो ज्यादा से ज्यादा एल डी एल को कंज्यूम कर लेते हैं सो दैट दोर एल डी एल फ्रॉम द सर्कुलेशन इसके कारण इफेक्ट क्या क्रिएट होगा सर्कुलेशन में जितना भी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो लिवर के पास चला आएगा और वो रिसेप्टर्स के थ्रू उसे एब्सॉर्ब कर लेंगे तो इससे क्या होगा बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिक्रीज होगा एज ए रिजल्ट प्लाज्मा लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स फॉल सिंपल सी बात है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर लिवर की ओर अट्रैक्ट हो गए तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में उनका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा जिसके कारण ना अथेरोसिस होगा ना मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा उसी कंडीशन में साइड बाय साइड जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जिन्हें हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल उनकी क्वांटिटी 10% परसेंट से इंक्रीज हो जाती है और ये हमारे बॉडी के लिए है तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन एच एम जी का तो ये स्टैटिंस काम कैसे करते हैं उनका डायग्रामेटिक मैकेनिज्म क्या है तो चलो समझ लेते हैं स्टैटिंस जो है वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेंगे एच एम जी एंजाइम को जिसके कारण हमें दो इफेक्ट्स मिलते हैं एक कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस डिक्रीज होगा दूसरा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर्स का जो एक्सप्रेशन है लिवर के अंदर वो बढ़ेगा एक्टिविटी बढ़ेगी जिसके कारण लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपके लिवर के पास चला जाता है और उसकी क्वांटिटी जो सर्कुलेशन में है वो डिक्रीज होगी सिमिलरली स्टैटिस्ट कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस डिक्रीज करते हैं तो लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन्स की लेवल घटेगी ट्राइग्लिसराइड्स की, की लेवल घटेगी बट उसी सिमिलर कंडीशन में डेंसिटी हाँ प्रोटीन्स जो है जो गुड कोलेस्ट्रोल मॉलिक्यूल है उनकी लेवल 10% से इंक्रीज होती है विच इज इसल फॉर आवर बॉडी सो दिस इज नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटि अब बात कर लेते हैं फार्मेकोकाइनेटिक प्रोफाइल की स्टेटिन्स आर वेल गिवन ओरली जब भी आप स्टेटिंस को कंज्यूम करते हो ओरली उनका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है द फूड एनहांसेस देयर एब्जॉर्प्शन फूड के साथ भी आप कंज्यूम कर सकते हो बट दे मे अंडरगो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लिवर आप इन्हें ओरली कंज्यूम कर सकते हैं ओरल एब्जॉर्प्शन अच्छा है फूड के साथ भी कंजम्पशन कर किया जा सकता है बट जैसे ही ये ड्रग लिवर के पास जाता है उसका

अगर लिवर के अंदर हो रहा है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है करेक्ट आंसर इज साइटोक्रोम P450। फोर फिफ्टी द ड्रग विच इंड्यूस और इनहिबिट दीज एंजाइम्स कैन अल्टर प्लाज्मा लेवल ऑफ स्टैटिन रिजल्टिंग इन ड्रग इंट्रैक्शन अगर कुछ एंजाइम इंड्यूसर्स या एंजाइम इनिबिटर्स कैटेगरी के ड्रग को आप कंज्यूम करते हो तो स्टैटिन की प्लाज्मा लेवल अप या डाउन हो सकती है और वहां पे ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन होने के भी चांसेस है तो एच एम जी कोडक्टेज इनिबिटर्स के एडवर्स इफेक्ट क्या है तो उसका आंसर उसके नाम में ही छुपा है सी एच एम जी में एच आता है एम इज मायोसाइटिस एंड मायोपथी इसका मतलब है पेन जी फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस आपकी ब्लड हो सकती है अगर आप स्टैटिटेगरी के ड्रग्स को या उनको फेबर के साथ कॉम्बिनेशन में लेते हो तो आपके मसल्स ब्रेक डाउन होंगे और उन मसल्स फाइबर्स को जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में छोड़ा जाता है उसके कारण टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज रेबडोमाइलोसिस द कंडीशन इन विच देर इज ब्रेकडाउन ऑफ मसल टिश्यू एक ऐसी कंडीशन जहां पे आपके मसल टिश्यू ब्रेकडाउन होंगे एंड दैट विल लीड्स टू रिलीज ऑफ मसल फाइबर इन टू द ब्लड सर्कुलेशन और इसी के कारण मसल फाइबर जो है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होता है उसका मेजर इफेक्ट ये क्रिएट होगा कि आपको

या सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया है तो उस कंडीशन में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में एचएमजी एम जी को इनिबिटर्स को यूज करते हैं दूसरी ट्रीटमेंट है सेवरल लार्ज स्केल स्टडीज हैव शोन स्टैटिंग टू बी यूजफुल इन लोअरिंग मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी इन द पेशेंट्स विथ सी अब मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी इन दोनों को लो करने के लिए स्टैटिंग यूजफुल है बट वॉट इज मॉर्बिडिटी वॉट इज मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी मतलब उस पर्टिकुलर डिसीज के साइन एंड सिम्टम्स उसके पर्टिकुलर इश्यूज आपके बॉडी को महसूस हो रहे मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी मतलब उस पर्टिकुलर डिसीज के कारण किसी की डेथ होना तो अगर हम स्टैटिंग को यूज करते हैं तो मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी दोनों को कम कर सकते हैं इनकेस ऑफ करोनरी हार्ट डिजीज माओकार्डियल इंफ्राक्शन जहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपरली हो नहीं रहा है जिसके कारण हार्ट की सेल डैमेज हो रही है अंजाइना पैक्टोरिस सबस्टर्नल चेस्ट पेन स्ट्रोक एंड स्टेमिक अटैक्स इन कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल की लेवल को कम करने के लिए इन ड्रग्स को यूज करते हैं तो अभी हम इंडिविजुअल एक एक्टिव फॉर्म में होगा इन गट सेक्शन इट इज इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब इसका ओरल एब्जॉर्ब इतना ठीक नहीं है बट एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म होगा विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम थ्री ए फ इससे पहले जो हमने देखा था वो था साइटोक्रोम पी अभी जो हम देख रहे हैं इंडिविजुअली वो है साइटोक्रोम 3a4 ए ये भी एक प्रो ड्रग है लोअर जैसा इसका ओरल एब्जॉर्प्शन थोड़ा अच्छा है ये ड्रग मोर पोटेंट है मोर इफिकस है बट बोथ सिमवास्ट्रटिन एंड अटोरवास्टेटिन इंक्रीजेस लेवल ऑफ एच डी एल गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देते हैं एंड दे मे लोअर ट्राइग्लिसराइड लेवल बैड कोलेस्ट्रॉल में एक और पार्ट आता है वो है ट्राइग्लिसराइड इनकी लेवल को लोअर करने के लिए सिमवास्टेटिन एक यूजफुल ड्रग है फिर है फ्लोवास्टेटिन इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्सॉर्ब इसका ओवरऑल एब्जॉर्शन बहुत अच्छा है बट इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम के थ्रू होता है दैट इज साइटोक्रोम 2C9 माइक्रोजोमल एंजाइम इनिवेटर प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ फ्लुवास्टैटिन अगर आप कोई माइक्रोजोमल एंजाइम इनिवेटर ड्रग कंज्यूम करते हो तो वो क्या करेगा इस साइटोक्रोम 2C9 को इनिबिट करेगा जिसके कारण फ्लुवास्टैटिन की एक्टिविटी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ जाती है तो यहां तक जो सेक्शन था वो था हमारा स्टैटिन्स और एच एम जी आ रहा है वो है Fibric Acids, that is, तो चलो शुरू करते हैं का discussion. इस में जो ड्रग्स है उनका एग्जाम्पल है जिम फिनोफिब्रेट एंड बेन्ट ये सारे फिब्रिक एसिड के डेरिविटिव है एक्टिविटी ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज इन

तो कोलेस्ट्रॉल का डिस्ट्रक्शन होगा जिसके कारण ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल 40 परसेंट से डाउन होगी द फेवरेट्स ऑल्सो एक्टिवेट्स पीपी ए आर अल्फा रिसेप्टर बेसिकली ये एक न्यूक्लियर रिसेप्टर है और जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो इसके कारण लिपोप्रोटीन लाइपेस एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसका जो बायोसिंथेसिस है वो इंप्रूव होगा तो अल्टीमेटली फेवरेट्स क्या करते हैं पीपीएर अल्फा न्यूक्लियर रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे जो एक ऐसा एंजाइम बनाएगा जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से डिग्रेड करता है जिसके कारण बैड कोलेस्ट्रॉल के फोर्टी परसेंट से आपके बॉडी के अंदर डिक्रीज होगी गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल 10 टू 15 परसेंट से इंप्रूव होगी दैट इज एडेड एडवांटेज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन द लिवर एंड मसल इज इंक्रीज अब जैसे ही आप फिब्रिक एसिड्स को कंज्यूम करते हो

बॉडी के अंदर घट जाएगी तो फेबरेट्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है सिंपल फेबरेट्स एक्टिवेट्स पीपीए अल्फा रिसेप्टर विच बिलोंग्स टू न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली जो कि लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है जिसका इफेक्ट क्या क्रिएट होगा इट डिग्रेड्स वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये क्या करेगा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल उसको डिग्रेड करेगा उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज करेगा सो दिस इज द सिंपल मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिन फिब्रेट्स का एडवर्स इफेक्ट क्या है पहला गैस्ट्रो इंटस्टिनल अपसेट आपके जीआई ट्रैक में अलग अलग प्रॉब्लम्स दिखेंगी वाशिया नोशिया वॉमिटिंग इस तरह से इफेक्ट दिख सकते हैं स्किन रैशेस आ सकते हैं हेडेक हो सकता है मायोसाइटिस दैट इज इंफ्लमेशन ऑफ द मसल्स मसल क्रैप्स एंड कभी कभी आपका विजन भी ब्लर हो सकता है अब एक मेजर प्रॉब्लम है वो है रेपडोमाइलोसिस ब्रेकडाउन ऑफ द मसल टिश्यू विच कॉज टॉक्सिसिटी इन योर ब्लड वो जो मसल के टिश्यू है वो आपके ब्लड के अंदर आते हैं जिसके कारण आपको टॉक्सिसिटीज को फेस करना पड़ता है दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज रेपडोमाइलोसिस तो अगर आप फिब्रिट्स को स्टैटिस् के साथ कंज्यूम करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको ज्यादातर दिखेगी अल्सो फेबरेट्स शुड बी अवॉइडेड इन एंड हिपैटिक डिस्फंक्शन फेबरेट्स को आप उन पेशेंट्स में नहीं दे सकते जिनकी किडनी या लिवर खराब है सो दीज आर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फेब्रिक एसिड्स पार्ट टू में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट्स एंड सम अदर ड्रग्स के बारे में अभी के सेक्शन में जो भी हमने कवर किया है उसका रिविजन करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए ऑल द बेस्ट